नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ MCB के बारे में, जो हमारे घरों में MCB लगाई जाती है, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम MCB लगाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबके बारे में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि MCB लगाई क्यों जाती है। दोस्तों जब MCB और ये सब इतने ज़्यादा लोग नहीं लगाते थे उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जो हमारे अप्लाइंसिसों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही चीज़ लगाई जाती थी, वो थी फ्यूज़। फ्यूज़ में होता क्या है दोस्तों, फ्यूज़ एक ऐसा वायर होता है जो कि जैसे ही ज़्यादा करंट प्रवाह होता है किसी भी वायर के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो गर्म होती है। तो गर्म होने की कंडीशन में फ्यूज़ थोड़े अलग मेटल का बना होता है जो कि दूसरे वायर की तुलना में पहले फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, यानी कि फ्यूज़ जो है टूट जाता है बीच में से, जिससे कि इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और हमारे अप्लाइंसेस बच जाती है। लेकिन दोस्तों कई बार कंडीशन क्या हुआ करती थी, एक तो हमें जब भी फ्यूज़ जब उड़ता था, फ्यूज़ जब ख़राब होता था तो हमें जाके मैन्युअली उसको चेंज करना पड़ता था, उसके रिपेट को निकाल के उसमें दोबारा से वायर डाल के उस फ्यूज़ को लगाना पड़ता था। एक तो उसका ये नुकसान था, दूसरा इसका ये नुकसान था कई बार हम जो क्या करते थे, हमने जो नॉर्मल घरों में लोग एक बार जो फ्यूज़ ख़राब हो जाता था तो फ्यूज़ का अलग से वायर लाने की बजाय हम नॉर्मल जो हमारे घर में कॉपर का वायर होता था उसी को लगा के उसी का फ्यूज़ बना देते थे, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था। दोस्तों इन दो चीज़ों को सही करने के लिए हमने क्या किया, जो थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो MCB आई अस्तित्व में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है दो कंडीशन में। जो MCB होती है दोस्तों वो दो कंडीशन में हमारी सेफ्टी करती है, एक शॉर्ट सर्किट और एक ओवरलोड। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ये होती है दोस्तों, अगर जो हमारे जो सर्किट होते हैं घरों में लगे होते हैं आपने देखे होंगे, उसमें एक जब अगर कोई भी अप्लाइंसेस किसी तरीके से उसमें शॉर्ट हो जाए, या फिर हम कोई वायर्स हैं बहुत सारे जा रही है, हम मान लो ड्रिल करा और ड्रिल की वजह से कहीं किसी भी तरीके से अगर दो वायर आपस में टच हो गए, लाइन और अर्थ का न्यूट्रल का, तो वो क्या हो जाएगा, सर्किट जो है शॉर्ट हो जाएगा। सर्किट के शॉर्ट होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट जो है वो MCB के अंदर से प्रवाह करेगा, इसकी वजह से MCB क्या करेगी, सेंस करके MCB ट्रिप हो जाएगी नीचे की तरफ, उसका जो उसका हैंडल होता है, जो बार होता है उसमें छोटा सा, वो नीचे ऑटोमेटिक बहुत तेज़ी के साथ गिर जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत सेकंड के हज़ारों हिस्से में बहुत जल्दी वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्म होने से, बहुत ज़्यादा नुकसान होने से, या हमारे जो अप्लाइंसेज है उसको हार्म होने से हम बचा सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों ओवरलोड। हमारे घर में जितने भी जो भी हमारे अप्लाइंसेज होते हैं ना, सबके सब पैरेलल में लगे होते हैं, कोई सीरीज में नहीं लगते, सबके सब पैरेलल में लगे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेज को पैरेलल में लगा दिया जाए तो उसकी वजह से भी जो है हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ओवरलोड, जिसको हम ओवरलोड की कंडीशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से भी जो वायर्स के अंदर जो है करंट प्रवाह बढ़ जाता है अचानक से, इसकी वजह से भी हमारी MCB गिर जाती है। दोस्तों MCB का जो काम करने का सिद्धांत है वो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटी लगी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप सिंपल भाषा में आप समझना चाहो तो उसमें समझ के चलो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है और स्प्रिंग का कुछ मैकेनिज्म होता है, जो उसमें होता क्या है, जैसे ही बहुत ज़्यादा जब करंट फ्लो होगा उसके अंदर से, तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल स्प्रिंग को ट्रिगर करके स्प्रिंग जो है उसके जो MCB को डाउन कर देगा दोस्तों। और इसी तरीके से जब ओवरलोड की कंडीशन होती है, ओवरलोड की कंडीशन में जो है करंट नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा प्रवाहित होता है, 5 से 6 गुना या 4-5 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है MCB के अंदर से, जिसकी वजह से MCB जो है ट्रिप हो जाती है दोस्तों। ये इस तरीके से हमारे जो है जो ये सब सुरक्षा के लिहाज से दोस्तों हमारे घर में बहुत ज़रूरी है कि MCB और RCCB और इस तरीके के जो हमारे घर में अर्थिंग वगैरह की कराई जाती है, आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। क्योंकि बहुत पहले क्या हुआ करता था, बहुत इतने ज़्यादा अप्लाइंसेज भी नहीं हुआ करते थे घरों में, बहुत छोटे 1-2 फैन होते थे, 2-3 बल्ब होते थे, तो उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं थी। लेकिन आज के कंडीशन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में, गीज़र हो गए, AC हो गए, ये फ्रिज, कूलर, TV, पंखे, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई है, घर भी बड़े होने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं, तो इसको अच्छी तरीके से हमें अपने घरों में अप्लाई करना चाहिए, तो ताकि हम सुरक्षित रह सके। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।